मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। मैं बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। मोहम्मद रफ़ी संभवतः ऐसे इकलौते गायक थे जो अपनी आवाज़ का तालमेल पर्दे के अभिनेता के व्यक्तित्व और पर्दे पर चलने वाले दृश्य के साथ आसानी से बिठा लेते थे। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। यही कारण है कि उस जमाने में सिनेमा के पर्दे पर राज करने वाले ज्यादातर अभिनेताओं की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी ही थे। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की आवाज। मौसम बड़ा बेईमान है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वह व्यापकता और विविधता थी जिसके कारण उनकी आवाज़ उस समय के लगभग सभी छोटे बड़े अभिनेताओं पर सटीक बैठती थी, चाहे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार हो या जुबली स्टार राजेंद्र कुमार या फिर सदाबहार अभिनेता देव आनंद ही क्यों न हो। दिल पुकारे आरे 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 दिल कमर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो। मोहम्मद रफ़ी के गाने ऐसे होते थे जिनको सुनकर ऐसा लगता था कि उस गाने को पर्दे पर एक्टिंग करने वाले हीरो ने ही गाया है। ऐसे कई गाने हैं जिनको सुनकर लोगों को भ्रम हो जाता था कि उस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने नहीं बल्कि उसी एक्टर ने गाया है जिस पर वह गीत फिल्माया गया है। घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। और छठा गीत भी लता जी के साथ। हुआ दिल जाने कहा होके तेरे प्यार में। इस वीडियो में उस गीत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसको लेकर लोगों में ऐसा भ्रम हो गया था कि देव आनंद को मोहम्मद रफ़ी समझ बैठे और मोहम्मद रफ़ी को देव आनंद। वह कौन सा गाना है और ऐसा कैसे कब और कहां हुआ इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, देव आनंद को अपनी अदाओं से सम्मोहित करने वाले अभिनेता के रूप में जाना जाता है और जब उनकी अदाओं के साथ मोहम्मद रफ़ी की लुभावनी आवाज जुड़ जाती थी तो देव आनंद के प्रति सम्मोहन कई गुना बढ़ जाता था। ओ, खोया खोया चांद खुला आसमान पदम नाज पे एक सजदा अदा हो जा। देव आनंद खुद स्वीकार करते थे कि रफ़ी साहब ने जैसी आवाज उन्हें प्लेबैक में दी वैसी कोई दूसरा नहीं दे सकता था, किशोर कुमार भी नहीं। अपनी तो हर आह एक तूफान है। वह बराबर यही कहते थे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया ही तो मेरा जीवन दर्शन रहा है। और रफ़ी साहब ने उसे इस गीत में कितने शानदार तरीके से एक बहते हुए से खुशनुमा अंदाज में गा दिया है। यही कारण है कि देव आनंद की आत्मकथा के विमोचन के समय मुंबई में आयोजित उस समारोह में मोहम्मद रफ़ी के गाये इसी गाने को बजाया जा रहा था। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और वह इस बात को दर्शाता है कि देव आनंद अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व से जिस गीत को जोड़ते हैं वह किशोर कुमार या अन्य गायक का गाया कोई गीत नहीं बल्कि वह गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत है। आज की पीढ़ी भी उस गाने को शौक से सुनती है और अपने आप को इस गाने से जोड़ती है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। फिल्म हम दोनों के इस गाने से एक और मजेदार वाक्य जुड़ा हुआ है। इस फिल्म के रंगीन संस्करण का प्रीमियर 3 फरवरी 2011 को हुआ था और उस समारोह के मौके पर देव आनंद ने कहा, क्या आवाज थी। रफ़ी साहब अपनी आवाज से पर्दे पर माहौल बना देते थे और एक्टिंग को आसान बना देते थे। उनकी आवाज रेशम सी मुलायम थी, सुबह की ओस जैसी भीनी थी और झरने की तरह ऊर्जा से भरपूर थी। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां न महसूस हो जहां। देव
देव आनंद ने बताया था कि साल 1967 में ये फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहां इसके गीतों की बहुत प्रशंसा की गई थी। हम लोगों ने गीतों के भी सबटाइटल लगाए थे और जर्मनी के लोग तो जैसे इस गीत के दीवाने हो गए थे। वहां के लोग सोचते थे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया को मैंने ही गाया है, और वे लोग मुझे बधाई देने लगे कि आपने कितनी मधुर आवाज में इस गाने को गाया है। जब ये बात मैंने रफी साहब को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर बर्लिन में मैंने किसी लाइव शो में ये गीत गाया तो कहीं जर्मन लोग मुझे देव आनंद न समझ लें। रफी साहब के इस मजाक पर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। देव आनंद ने कहा था कि रफी साहब जैसे सुर के अवतार थे, मैं अपनी अनेक फिल्मों की सफलता का श्रेय उनको देता हूँ। साल 1961 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है के गीत जिया ओ जिया कुछ बोल दो से लेकर साल 1980 की फिल्म मनपसंद के गीत लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो गाने तक उनकी आवाज मेरे साथ बनी रही। जिया ओ जिया कुछ बोल दो लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो। आपको बता दें कि फिल्म हम दोनों साल 1961 में रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक इस फिल्म के गीत लोगों की जुबान पर है। तो आई हो बहार बन के छाई हो। फिल्म का निर्माण देव आनंद ने किया था जबकि उनके भाई विजय आनंद ने इसका निर्देशन किया था। फिल्म में देव आनंद दोहरी भूमिका में है और इसमें नंदा साधना और लीला चिटनेस भी हैं। फिल्म जयदेव के संगीत के लिए भी जानी जाती है और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म के सभी गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत आज भी बार बार गाए गुनगुनाए जाते हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस फिल्म के गाने जितने बेहतरीन हैं, उतनी ही बेहतरीन है इस फिल्म की कहानी। देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के अंडर बनी ये फिल्म दो जुड़वा सैनिकों की कहानी है। जब सरहद की लड़ाई में दोनों में से एक की मौत हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति परिवार को इस बारे में बताने जाता है, फिर यहीं से शुरू होती है उलझन। उस दौर में इस तरह की कहानी पेश करना काफी नया और अनोखा था। तो दोस्तों, आपको फिल्म हम दोनों के गानों और खास तौर पर मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया गाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपको ये गीत कैसा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।